के प्रीवियस को नल कर दो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आपकी मर्जी है। अब देखो यहाँ भी, ये देखो यहाँ भी तो करा है, ये देखो यहाँ भी तो करा है, ये देखो न्यू नोड आई, न्यू नोड में क्या कर दिया, प्रीवियस को नल कर दिया। आप यहाँ नहीं करना है इसको, यहाँ कर लो, वो तो मर्जी है ना आपकी बेटा। जब कोड समझ जाओगे ना पूरे का पूरा, तो अपने आप समझ आइए कि कौन सी चीज कहाँ कर सकते हो, मतलब आप अपनी मर्जी से मूव कर सकते हो डाटा को। ठीक है, देखो यहाँ पे ओके अगर सर, आप चाहो ना बेटा, तो इस प्रीवियस नोड को और इस नेक्स्ट नोड को नल से इनिशियलाइज कर दो, वो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उस चीज की, क्योंकि आपने न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट को तो दोबारा से अपडेट किया ही है ना। अगर देखो बेटा मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप जब आपने ये बनाई, आप चाहो तो PREB प्रीवियस, ठीक है, पार्ट को, पर प्रीवियस पार्ट किसका होगा, नोड का होगा, किसी नोड का, ठीक है, किसी नोड का होगा, तो वो नोड तो हमने मिली नाम दिया नहीं उस नोड का, कि उस नोड का नाम क्या होगा, तो यहाँ से रहने देना करना, सॉरी, क्योंकि आपने ना नोड का नाम तो दिया ही नहीं कि किस नोड का नेक्स्ट पार्ट नल करना है। अदरवाइज चलो लिख भी दोगे तो देख लेंगे हम रन करा के, अगर PREBC प्रीवियस, क्योंकि प्रीवियस बेटा क्या है, नल एक किसी नोड का पार्ट है ना प्रीवियस, तो जब तक नोड बनेगी नहीं तो प्रीवियस पार्ट कैसे बनेगा। ठीक है, तो चाहे आप रहने देना यहाँ करने इसको, बाकी एक बार जब रन करेंगे तो चेक कर लेंगे कि कोई दिक्कत तो नहीं दे रहा है, अगर मैं यहाँ ही नहीं सिलाई कर देता हूँ इसको तो। ठीक है, ये हो गया, अब हम पहले कोड पे ओके आते हैं। हाँ, इस कोड पे आ जाते हैं, इस कोड, ये तो हो गया, एक नया ऑब्जेक्ट बनाया। अब देखो सबसे पहला फंक्शन बेटा, एक एक फंक्शन, सारे फंक्शन करेंगे, बहुत बढ़िया बनाया इस बच्चे ने, इंसर्शन और डिलीशन पूरे का पूरा समझ आ जाएगा, बस 1.5 घंटा सुनते रहना कि मैं क्या कह रहा हूँ, और फंक्शन को देखते रहना, कॉपी पेंसिल पे नोट करते रहना बेटा। जिसने ये करा है वो एक बार रिवाइज कर ले खुद, क्योंकि और प्रैक्टिस हो जाएगी करने की। डिलीट, ये तो ऑब्जेक्ट है, देखो ऑब्जेक्ट, और आपको इंसर्ट फंक्शन को कॉल कर रहा है, देखो सिर्फ इंसर्ट है, इंसर्ट फंक्शन को कॉल है, और ये भेज क्या रहा है ऊपर, देखो बताओ क्या वैल्यू जा रही है ऊपर, ऊपर आपके पास दो वैल्यू जा रही है, ये इंसर्ट फंक्शन आपसे दो वैल्यू रिसीव कर रहा है, कौन कौन सा, हेड की वैल्यू और एट, एट एक एलिमेंट है, वैल्यू है, और ये क्या है, एक एड्रेस है। अब मेरे को बताओ कि इसमें क्या वैल्यू है, इसमें क्या वैल्यू जाएगी और इसमें क्या वैल्यू जाएगी, ये तो एट जाएगा, ये तो इंट में रिसीव हो जाएगा, यहाँ क्या जाएगा बेटा, ये इंसर्ट फंक्शन कौन सी वैल्यू लेगा यहाँ से, ठीक नो टाइप की है, क्योंकि क्योंकि देखो हेड की वैल्यू क्या है, मैंने देखो यहाँ फिर कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि हेड की वैल्यू क्या है, नल है, इट मीन जब ये मैंने ये वाला फंक्शन कॉल करा, कौन से वाला, जब मैंने ये फंक्शन कॉल करा तो ये मेरे पास अब वैल्यू लेके जाएगा, पता कौन सी वैल्यू लेके जाएगा, ये वैल्यू लेके जाएगा नल, और दूसरी वैल्यू इसकी एट, ये वैल्यू लेके ऊपर गया वो। ठीक है, अब आप और क्या कर रहे हैं, इंसर्टिंग एट एट हेड ऑफ द लिस्ट, कि हेड ऑफ द लिस्ट में स्टोर कर रहे हैं वैल्यू को। ठीक है, अब चले गए हम इंसर्ट फंक्शन ढूंढते हैं कहाँ पे है, ये आ गया मेरा इंसर्ट एट स्टार्ट है, ये आ गया इंसर्ट फंक्शन, ठीक है, ये मेरा इंसर्ट फंक्शन है। इंसर्ट फंक्शन में देखो पब्लिक वॉइड रिटर्न कुछ नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, रिटर्न वॉइड लिखा ना आपने, ये देखो, क्योंकि आप रिटर्न कहीं कर ही नहीं रहे हो, इसको क्या रिटर्न कहीं कर ही नहीं रहे हो, सिर्फ डायरेक्ट फंक्शन कॉल है, तो कोई रिटर्न टाइप नहीं, मीन इसका रिटर्न टाइप क्या आएगी, वॉइड। इंसर्ट फंक्शन ने, इंसर्ट फंक्शन ने क्या करा, देखो वो DELL.HEAD था ना, तो उसमें एड्रेस आना था हमें, ये तो पता ही है ना आपको कि हेड में एड्रेस है, तो और हेड में एड्रेस जब वो नोड टाइप का है, तो यहाँ जो रिसीव करना है वो क्या करना है, नोड, ठीक है, और यहाँ से यहाँ प्रीवियस नोड जो भी इसने लिखा है, वेरिएबल नाम लिया है, आप कोई अपनी मर्जी से ले सकते हो, और इंट न्यू डाटा, न्यू डाटा मीन जो क्या वैल्यू आई है, वैल्यू कितनी थी, एट, ठीक है, तो इट मीन इसने जो रिसीव करी वैल्यू, इसने जो यहाँ रिसीव करी वैल्यू, वो क्या क्या रिसीव करी वैल्यू, इसने रिसीव करी नल और दूसरी वैल्यू करी एट, ठीक है, इट मीन न्यू डाटा का जो, न्यू डाटा में जो वैल्यू है वो एट है, और प्रीवियस नोड में जो वैल्यू है वो नल है। ठीक है, अब आते हैं हम नीचे देखने के लिए कि भाई क्या कह रहा है ये, बोल रहा है कि इफ प्रीवियस नोड, प्रीवियस नोड जो आपको मिल रहा है डाटा, ये अगर इसकी वैल्यू, अगर इसमें जो वैल्यू है वो वैल्यू नल है, ठीक है, और हेड की वैल्यू जो आपके पास हेड है,
ये देखो अगर इसकी वैल्यू भी नल है, दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, मतलब मर्जी है आपको, चाहे हेड इक्वल टू नल बोल दो तो भी कोई बात नहीं है। और अगर कहाँ गया वो, हाँ, और अगर हेड इक्वल टू नल दोनों में से कोई भी कंडीशन है, कोई भी कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो नेचुरली अगर ये हेड जीरो है, अगर ये नल है, हेड नल है, तो नेचुरली नीचे से भी आपने क्या करा है, DLL डॉट हेड को कॉल करा है, तो वो भी नल ही होगी, तो उसको आपने यहाँ पॉइंटर में स्टोर कर दिया जैसे प्रीवियस नोड में। तो प्रीवियस नोड इक्वल टू नल है, यस, और हेड की वैल्यू भी नल है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। ठीक है, यहाँ आए, इंसर्ट एट स्टार्ट फंक्शन को कॉल कर दिया। बेटा ये क्या करा है दोबारा से, स्टार्ट फंक्शन को कॉल करके दोबारा, क्योंकि सर अभी तो लिस्ट में लिस्ट एम्प्टी है ना। वही चीज हो गई। वही चीज हो गई ना, यहाँ जाएगा स्टार्टिंग में, फिर वही कॉल करेगा, तो मैंने तेरे को बोला था कि यही लिख देना था डायरेक्ट, चलो कोई बात नहीं होगी। फंक्शन बड़ा आता है फिर। ठीक है, यहाँ से गया इसने इंसर्ट एट स्टार्ट फंक्शन कॉल करा, क्योंकि नल वैल्यू मिल गई, तो नेचुरली है जब हेड की वैल्यू नल है तो फर्स्ट में इंसर्ट होगा, तो इंसर्ट एट फर्स्ट और न्यू डाटा को इसने यहाँ भेज दिया। ठीक है, और रिटर्न कर दिया। ठीक है, कि मीन्स पहले मुझे भाई इस डाटा पे जाना है, अब इस चीज पे जाना है। ठीक है, अब हम चले, समझ गए ना बेटा यहाँ क्या हुआ, यहाँ से अभी आउटपुट नहीं मिली आपको। ये देखो यहाँ से जब इस फंक्शन को, ये देखो ये क्या है, कॉल द फंक्शन, किस फंक्शन को कॉल कर दिया इसने बेटा, ये अपनी मर्जी से कोड करना है आपने, ये तो एक किसी ने करा है उसका लॉजिक समझा रहा हूँ, लेकिन तुम लोगों ने कोड अपनी मर्जी से करना है सबने, बट इस कोड में कैसे वर्क करे बस वो देखो, वर्किंग कैसे हो रही है, इसने इस फंक्शन को कॉल कर दिया। ठीक है, अब हम रिटर्न में नहीं गए, देखो अभी तक ये, अब देखो इसकी ये वाला काम जो है ना वो कहाँ चला गया, होल्ड हो गया, और कहाँ होल्ड हो गया, स्टैक में। भाई अभी इसने आंसर नहीं दिया, ये इंटरमीडिएट कोड हुआ, पूरा नहीं चला ये, इससे पहले इसने क्या कर दिया, किसी और फंक्शन को कॉल कर दिया। अब हम इस फंक्शन पे जाते हैं, इंसर्ट एट स्टार्ट, इंसर्ट एट स्टार्ट ये है, इट मीन्स हम यहाँ के बाद यहाँ से सीधे यहाँ चले गए, और यहाँ पे जो न्यू डाटा की वैल्यू अभी कितनी है, 8। ठीक है, इसने फिर न्यू नेट क्रोड करी, क्रिएट करी, इस न्यू नोड में इसने क्या किया, न्यू डाटा का नेक्स्ट पार्ट हेड, ये देखो देखो ना ये चीज हो गई, इसने क्या कर दिया, न्यू डाटा के नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, हेड की वैल्यू स्टोर कर दी नल। ठीक है, और क्योंकि नल है ना वैल्यू, ये देखो अभी तो हेड की वैल्यू नल है, क्योंकि हेड तो मूव ही नहीं हुआ कहीं भी, तो और न्यू के नोड के प्रीवियस पार्ट में नल की वैल्यू डाल दी। ठीक है बेटा, ये हेड की वैल्यू क्यों डाली यहाँ, पता चला किसी को क्यों डाली है, हेड की वैल्यू क्यों डाली यहाँ पे, हेड की वैल्यू न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट में हेड की वैल्यू क्यों डाली, कोई बताएगा? बेटा क्वेश्चन है किसी से भी, न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट में हेड की वैल्यू क्यों डाली है, कोई बताएगा? और दी हो गई, क्यों नहीं बता पा रहे हो, न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट में हेड की वैल्यू क्यों डाली, वो तो यही है, वो 23 बच्चे है, एक बच्चा आंसर नहीं दे दे रहा है यार, हद हो गई। न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट में हेड की वैल्यू क्यों डाली, बताओ न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट में हेड की वैल्यू क्यों डाली, कोई आंसर बताएगा? गुरुप्रीत, गुरुप्रीत, ईशान, क्योंकि इंसर्ट स्टार्ट फुल करना है, क्योंकि हमने, ये देखो होल्ड करो, ये 8 वैल्यू आ रही है आपके पास। ठीक है, ये 8 वैल्यू आई यहाँ से, आपने न्यू नोड क्रिएट करी, न्यू नोड क्रिएट करी, तो उसमें सिर्फ 8 आया, देखो न्यू नोड क्रिएट करी, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, और सिर्फ 8 वैल्यू उसमें चली गई। ठीक है, अब आपने क्या करा, देखो आपका हेड यहाँ पड़ा है, हेड यहाँ पड़ा है, अभी आपको ये पता नहीं है कि, आपको ये पता है कि मुझे स्टार्टिंग में वैल्यू डालनी है, स्टार्टिंग में वैल्यू डालनी है, तो आपको ये वैल्यू नल है हेड की, और आप 8 लेके आए, तो अब आपको
चेक, अब आपने क्या करा, फिर जैसे ही आई न्यू वैल्यू आई, आपने क्या करा, फिर इसको सबसे पहले इंस्टॉल करना है, सबसे पहले डालना है ना इसको। तो अब आपको ये नहीं पता कि इसके बाद और वैल्यू है कि नहीं है, हो भी सकती है ना, इसके बाद भी वैल्यू हो सकती है, ऐसे हो सकती है 7, 8, कोई भी वैल्यू हो सकती है 9, पहले आपने, है ना। तो इट मीन 7 का एड्रेस किसके पास होगा, हेड के पास होगा। अब अगर इसको मैंने फर्स्ट नोड बनाना है तो क्या करूंगा मैं, इसके एड्रेस जो मीन इसके पास हेड के पास इसका एड्रेस होगा, तो वो हेड का एड्रेस मुझे 8 के नेक्स्ट में डालना है, तभी तो ये फर्स्ट नोड बनेगी फिर, ठीक है। तो सेम इस काम को करने के लिए कि ये वाली नोड मेरी फर्स्ट नोड बने, हैंग हो गया ऑब्जर्वेशन, कि 8 मेरी फर्स्ट नोड बने, इसलिए आपने क्या कर दिया, न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट में हेड वैल्यू डाल दी और न्यू नोड के प्रीवियस में नल वैल्यू डाल दी, ठीक है। अब ये चेक कर रहे हैं, ठीक है, पहले तो ये काम कर लिया आपने। अब ये बोल रहा है कि इफ हेड नॉट इक्वल टू नल है, ये भी हो सकता है ना, हेड नॉट इक्वल टू नल हो, लेकिन इस केस में क्या है, हमारे वाले केस में क्या था, नल जो था, हेड जो था वो नॉट इक्वल टू नल नहीं था, क्योंकि हेड तो हमारा क्या था, नल ही था ना बेटा। जब ये देखो 8 तो फर्स्ट टाइम आ रहा था, 8 अगर फर्स्ट टाइम आ रहा था तो 8 है ना, फर्स्ट टाइम आ रहा था, तो तब तो हेड की वैल्यू क्या थी, नल ही थी। ये पूछ रहा है कि हेड की क्या वैल्यू, जब अगर नॉट नल होगी तो ये काम करना है, लेकिन हमारी हेड की वैल्यू तो नल के बराबर है। इट मीन हमने क्या क्या काम कर चुके हैं, हम न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट में हेड वैल्यू डाल दी है, नल वैल्यू डाल दी है, न्यू नोड के प्रीवियस में नल वैल्यू डाल दी है, और न्यू नोड के डाटा पार्ट में न्यू डाटा डाल दिया है, ठीक है। अब क्या काम रह गया हमारा, कि न्यू डाटा का जो एड्रेस है वो हेड को दे दो। तो इट मीन्स अब मेरे पास क्या आ गया, जब ये चीज पूरी एक्सिक्यूट हो गई, ठीक है, तो यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लगनी बेटा, सर जरूरत जिसने नहीं है उसकी, ये ऐसे ही रिटर्न कर देगा, ये तो रिटर्न मांग इंडिया वैसे, है ना, क्योंकि यस सर फंक्शन जरूरत नहीं कॉल है नहीं है उसकी, सीधा, रो है ना, फंक्शन ही कर रहा है, तो ये यस एक्सिक्यूट सर हो गया पूरे पूरे, तो अपने आप ही वैल्यू यहाँ आ गई, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। और हेड इक्वल, तो समझ गए ना बेटा ये चीज कैसे एक्सिक्यूट हुई, ये जो फर्स्ट फंक्शन कॉल थी इसकी, कौन सी, ये वाली फंक्शन कॉल, ये समझ गए ना कैसे एक्सिक्यूट हुई बेटा, समझ गए, ये फंक्शन कॉल देखो मैं यहाँ लेके जा रहा हूँ ऊपर इसको, ओ सॉरी, ये फंक्शन कॉल मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ दोबारा से, ये देखो क्या हुआ, ठीक से समझ लेना, अगर चाहते हो इसको तो एक लाइन में भी हो सकता है, एक ही फंक्शन में हो सकता है ये, देखो आपके पास ये फंक्शन कॉल थी, ये फंक्शन कॉल थी, जब ये फंक्शन कॉल एक्सिक्यूट हुई तो प्रीवियस नोड तो पहले ही इसका नल था, और हेड जो थे वो ऑलरेडी नल है, तो इंसर्ट फंक्शन को कॉल कर लिया, इंसर्ट फंक्शन ये है, जब ये एक्सिक्यूट हुआ पूरे का पूरा, तो मीन क्या हुआ कि आपकी 8 क्या बन गई, द फर्स्ट नोड ऑफ द लिंक लिस्ट, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरे कोड पे, दूसरा कोड क्या है, दूसरा फंक्शन कॉल क्या है, दूसरी फंक्शन कॉल है DLL.insert@end, मीन कि अब मुझे देखो, जब ये फंक्शन एक्सिक्यूट हो गया ना बेटा ये, तो मेरे पास क्या बना, एक ऐसी नोड बन गई, इसको मैं आगे आगे कर दूं ना, मेरे पास क्या बन गई, ऐसे रिजल्ट आ गया, हेड, और हेड के पास एड्रेस किसका है बेटा, अभी बताना, हेड के पास एड्रेस किसका है, हेड के एड्रेस किसका है इसका, पहले तो यहाँ इस साइड नल है, ये नोड है पूरी की पूरी जो मैं बना रहा हूँ, और ये यहाँ 8 आ गया और यहाँ पे सर नल पहले वैल्यू प्रीवियस कहाँ नहीं आएगा, पे, हाँ तो नल लिख दिया ना प्रीवियस वैल्यू पे, ठीक मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, प्रीवियस की वैल्यू नल, डाटा पार्ट में 8 और इसके नेक्स्ट पार्ट में नल, मीन जब ये एक्सिक्यूट हुई ना बेटा स्टेटमेंट, तो अब हेड में बताना मेरे को एड्रेस क्या होगा, इस पूरी नोड का एड्रेस हेड में होगा, कि अब इस नोड का जो प्रीवियस पार्ट है वो नल है, इस नोड पूरी नोड का जो डाटा पार्ट है वो 8 है, और इस पूरी नोड का जो नेक्स्ट पार्ट है वो नल है, और आपको ये चीज मिली है जब ये स्टेटमेंट एक्सिक्यूट हुई, ठीक है, ये वाले। अब आओ दूसरे पे, DLL insert at end, अब हम चलते हैं कि इंसर्ट एट एंड मुझे कि मीन मुझे वैल्यू कहाँ डालनी है, इसके बाद डालनी है, ठीक है। तो सपोज करो आपकी जो नोड है वो ऐसे बनेगी, 6 आ गया, ठीक है, 6 आ गया, इसमें मैं
पहले नल वैल्यू डाली होगी, ठीक है, और सपोज करो इसमें भी नल वैल्यू डाल दी, बाय डिफॉल्ट नल है, ठीक है। अब बताओ आप कैसे एक्सिक्यूट करोगे इसको, क्या करोगे पहले बताओ, देखो क्या करोगे बताओ, बताओ बेटा क्या करोगे सिक्स के आप। प्रीवियस में एट का एड्रेस और एट के नेक्स्ट में सिक्स का हाँ एड्रेस। देखो, अब सिंपल काम है एंड में, तो बिल्कुल ही सिंपल काम है, ठीक है, कि पहले तो आपको देखो, अभी तो आपको पता है ना एंड की यही लास्ट है, लेकिन अगर ये अगर दो तीन नोड और होते तो पहले उस एंड वाली नोड तक जाना था, ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, देखो ये तो नल ही होगा, इसका जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू जो है वो इसमें डालनी है, इस पूरी नोड की जो एड्रेस होगा वो इस एट के नल प्री नेक्स्ट में डालनी है, और जो इसका एड्रेस होगा, समझ गए ना, और जो इस नल का, इस नोड का एड्रेस होगा, जो इस नोड का एड्रेस होगा वहां डालना है सिक्स के प्रीवियस पार्ट में, दो काम करने हैं, समझ गए ना, दो काम, जो जहां आपने नोड डालनी है उससे पिछली नोड के नेक्स्ट पार्ट में आपने न्यू नोड का एड्रेस डालना, और जो प्रीवियस नोड होगी उसका एड्रेस न्यू नोड के प्रीवियस पार्ट में डालना, ठीक है। अब चलते हैं इंसर्ट एट एंड पे, इंसर्ट एट एंड कहाँ गया, इंसर्ट एट एंड, इंसर्ट एट एंड आ गया, देखो इंसर्ट एट एंड ये वाला कोड है, इंसर्ट एट एंड, देखना क्या करा है, हम क्या कर लेते हैं, पहले मैं इस नीचे वाली चीज को जो लिखी थी ना, ओहो, इसको ऊपर ले आता हूँ, ठीक है, कहाँ पे है, इंसर्ट एट, इंसर्ट एट स्टार्ट हो गया, इंसर्ट एट कहाँ गया, इंसर्ट एट नोड, इसका फंक्शन क्या है बेटा, नीचे है सर। इंसर्ट एट एंड, ठीक है, इंसर्ट एट एंड, ठीक है, इंसर्ट एंड एंड ये है, तो मुझे जो ऑलरेडी जो मेरे पास नोड है बेटा वो ये है, ठीक है, और मुझे जो न्यू वैल्यू इंसर्ट करने को मिली है वो कौन सी है, कौन सी थी, वो सिक्स थी ना, क्या थी वो वैल्यू, सिक्स है, ठीक है, तो मैं सिक्स को ले आया, नल, सॉरी सिक्स और नल, ठीक है। अब देखो चलते हैं, यहाँ तो मुझे कितना वैल्यू आई, सिक्स आई थी, ये देखो सिक्स वैल्यू आई होगी इसकी। अब आ जाते हैं, न्यू नोड क्रिएट कर ली, ये वाली न्यू नोड के, देखो अभी तो देखो, जब ये यहाँ ये जो चीज बनाई ना मैंने बेटा, ये यहाँ इतनी बन के आई मुझे यहाँ से, ये वाली, ठीक है। अब बोलते हैं कि न्यू नोड का, नहीं सॉरी, ये जो हेड है, जो यहाँ था हेड था, उसको किस में डाल दो, लास्ट में, क्योंकि मुझे अभी ये नहीं ना पता बेटा कि, मुझे ये नहीं ना पता कि एंड में डालनी है ना, तो मुझे ये थोड़ी पता कि उससे पहले एक ही नोड है, दो नोड भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकती हैं, ठीक है। तो इसने क्या कर दिया, पूरी नोड को ट्रावर्स करने के लिए, जब तक लास्ट का नेक्स्ट नहीं, देखो जब तक लास्ट का नेक्स्ट नल नहीं हो जाता तब तक ट्रावर्स करना है, देखो इन्होंने क्या करा, अभी पहले देख लो, ठीक है, और न्यू नोड के नेक्स्ट में तो नल डाल ही दिया पहले ही, ये तो लास्ट हेड, ये देखो ना हेड को लास्ट में स्टोर कर लिया, ये तो पहला काम, ये तो करना ही था, न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट में नल डाल दिया, ये नल वैल्यू डाल दी, ऑलरेडी नल थी, आपने लिख के कर दिया, क्योंकि यहाँ ऊपर लिखा नहीं, मैं बाई डिफॉल्ट नल लेके चल रहा था इसको, ठीक है, नल वैल्यू डाल दी। ये कह रहा है कि इफ हेड नल तो नहीं है, अगर हेड नल है तो ये फ्रंट नोड बनेगी, बेटा तो कोड मिक्स हो रहा है तेरा, ऋत्विक नहीं सर, ठीक है बिल्कुल, ये वाला। हेडविड, अच्छा कि अगर वो लास्ट नोड बन रही है यस सर, अगर मतलब कोई ठीक नोड ही नहीं है तो हेड बन जाए वो बस। है, ठीक है, वो हो गया ना कि मैं ज़ूम करके चल रहा था कि ऑलरेडी हेड की वैल्यू नल नहीं है, हाँ हो सकता है ऐसे, गुड, कि इफ सारे हेड, केसेस मैंने इंक्लूड हाँ किए हाँ ना। हाँ 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 वो सारे हो गए सारे, इफ हेड इक्वल टू नल है, बोले अगर हेड इक्वल टू नल है, क्योंकि अभी तो हम चल रहे हैं कि इंसर्ट एंड करना है, लेकिन एंड में तब करना है जब उसमें वैल्यू होगी, अगर मान लो वो, अगर ऑलरेडी हम ये मान लें कि हेड की वैल्यू नल होगी, हम देखो स्टार्टिंग में हम ये सोच के चल रहे हैं कि मुझे लिंक डबल लिंक लिस्ट के एंड में नोड डालनी है, ठीक है, लेकिन जब मैं डालने लगा वैल्यू
तो मुझे ये पता लग गया कि यार हेड की वैल्यू तो ऑलरेडी क्या है, नल के बराबर है। तब क्या करना, ये देखो बोलिया इफ आपको पता चलता है कि हेड, अभी शुरू क्या करा आपने माइंड में, तो ये बना के चले हैं कि एंड से इंसर्ट करनी है वैल्यू, लेकिन जब आप गए वहां पे तो आपको ये मिला कि हेड तो ऑलरेडी नल है। इट मीन जो आप सोच रहे थे कि मुझे लिंक लिस्ट बिल्कुल जो न्यू नोड है वो लिंक लिस्ट के एंड में स्टोर करनी है या एंड में अटैच करनी है, लेकिन तब आपको जाते ही क्या मिला, हेड की वैल्यू तो नल मिल गई। अगर हेड की वैल्यू आपको नल मिल रही है तो क्या करोगे उसको साथ में, तो इस पर्टिकुलर न्यू नोड के प्रीवियस पार्ट को भी नल कर दो, ठीक है, और साथ में न्यू नोड के अड्रेस को हेड को पास कर दो और रिटर्न आ जाओ, ठीक है बेटा इसको ना। हाँ समझ आ गया बेटा, ये समझ आ गया इतना सा, ठीक है। फिर इसके बाद बोले अगर ये चीज तो हो गई, अगर हेड इक्वल टू नल है, अगर हेड इक्वल टू नल नहीं होगा तो क्या करना है, व्हाइल, फिर अगर देखो अगर ये हेड नल नहीं है इट मीन्स इस पर्टिकुलर हेड के आगे क्या होगी, नोड्स होंगी, ठीक है। तो हम पहली नोड पे आते हैं, व्हाइल बोले जब तक लास्ट डॉट नेक्स्ट नल नहीं मिल जाता, मीन्स देखो अभी लास्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस नोड को, ये देखो हेड की वैल्यू आपने लास्ट में डाल ली, तो इट मीन लास्ट किस नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको, ये बोल रहा है जब तक लास्ट डॉट नेक्स्ट नल के बराबर नहीं हो जाता तब तक आपने ये काम करना है। तो आपको क्या मिल गया पहले, ये तो नल के बराबर है, अगर ये नल के बराबर है ठीक है तो ये कंडीशन चलेगी फिर, नहीं आप कहाँ जाओगे, इसमें आ जाओगे फर्स्ट टाइम जब चल रहे हैं सिक्स नोड इंसर्ट हो रही है। अब नेक्स्ट आ गए तो क्या करना आपने, देखो न्यू नोड का जो एड्रेस है, न्यू नोड का एड्रेस है वो कहाँ दे देना, लास्ट के नेक्स्ट में, लास्ट का नेक्स्ट क्या है ये, ठीक है। तो इट मीन इसका जो एड्रेस था वो यहाँ डाल दिया, इट मीन ये दोनों नोड क्या हो गई आप में अटैच हो गई, ये अटैच हो गई, सॉरी ये दोनों अटैच हो गई आपस में, लेकिन कैसे अटैच हुई, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है एड्रेस ऑफ सिक्स, इसको मैं मोल रखता हूँ कि एड्रेस ऑफ सिक्स जो है वो मैं मान के चल रहा हूँ, एड्रेस ऑफ सिक्स क्या है बी, बेटा इससे अगर भाग आके बी, तो इट मीन यहाँ पे क्या एड्रेस आ जाएगा, बी आ जाएगा यहाँ पे, पता है ना बी क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये देखो न्यू नोड का एड्रेस क्या है बी, न्यू नोड का एड्रेस बी कहाँ भेज दिया, लास्ट के नेक्स्ट में, लास्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है इस नोड को, तो इस नोड का जो नेक्स्ट पार्ट है वो ये है, तो इट मीन बी का एड्रेस यहाँ आ जाएगा। अब दूसरा काम क्या रह गया, दूसरा काम क्या रह गया, सपोज करो अब इसका भी तो एड्रेस होगा अपना, इसका एड्रेस मैंने मान लिया ए, किसका एड्रेस, ये किसका एड्रेस है, एड्रेस ऑफ ए नोड ये वाली, ठीक है। तो इसका जो लास्ट लास्ट में क्या वैल्यू होगी, अब ए ए के एड्रेस को कहाँ भेज दो, न्यू नोड के प्रीवियस में, तो न्यू नोड ये है, न्यू नोड का प्रीवियस क्या है ये, इट मीन यहाँ पे क्या वैल्यू भेज दो ए, हो गया ना अटैच, अब ये दोनों नोड क्या हो गई आपस में अटैच हो गई, ठीक है। ए एट का इस पर्टिकुलर नोड का नेक्स्ट पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नेक्स्ट नोड को, और इस नोड का प्रीवियस सेक्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ए को, ठीक है। तो ये हो गया मेरा, जब ये मेरी दूसरी स्टेटमेंट एक्सिक्यूट हुई ये वाली, सॉरी ये वाली। अब आ जाते हैं तीसरी पे, बेटा ये इतना तो कल कर ही लिया था, बस ये नहीं करा था एंड कर लिए थे, दोनों कर लिए थे बल्कि, अब ये आ जाओ डिलीट पे, ठीक है। कि मुझे अब अगर एलिमेंट को डिलीट करना है, ठीक है, किस एलिमेंट को करना है, 16, यही है ना बेटा 16 है ना ये, यस 16, सिक्सटीन ठीक वैल्यू, मतलब अगर कोई है तो उसको डिलीट कर दे। है। अगर कोई देखो अब डिलीट करना है लिंक लिस्ट, अभी मेरी लिंक लिस्ट में दो एलिमेंट है, कौन कौन से, एट और सिक्स, कितने हैं एट और सिक्स, मैं इसको हटा देता हूँ अभी यहाँ से, कितने एलिमेंट है, दो एलिमेंट है एट और सिक्स, लेकिन ये कह रहा है मुझे कि भाई लिंक लिस्ट से क्या हटाना है, 16 हटाना है। तो हम डिलीट वाले फंक्शन पे चलते हैं, डिलीट डाटा के फंक्शन पे, डिलीट डाटा का फंक्शन कहाँ चला गया, डिलीट डाटा का, ये तो डिलीट इंडेक्स आ गया, डिलीट डाटा ये है ना फंक्शन, डिलीट डाटा का ये है ना बेटा, यस सर, इंसर्ट आ गया, हाँ ये आ गया डिलीट डाटा, ठीक है डिलीट डाटा। अभी मैं कितनी किस डाटा को डिलीट करने की बात कर रहा हूँ, 16 को, ठीक है, कि मेरे पास एक एलिमेंट है डाटा 16 है ना, नोड के अंदर जो डाटा है वो 16 है, कि इसको डिलीट करो,
तो मुझे ये डाटा पहले ढूंढना है, यही है ना, ढूंढना है पहले। तो यस सर, चलते हैं फिर, और आपके पास जो लिंक लिस्ट है अभी तक वो ये है, लिंक लिस्ट आपकी ये है, ठीक है। इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ कि मेरी जो लिंक लिस्ट है वो ये है, लिंक लिस्ट ये है। इसका एड्रेस कितना है, इसका एड्रेस कितना है, ओ सॉरी कहाँ चला गया था मैं, फास्ट। इसका एड्रेस है बी, और सॉरी ए है, ठीक है। ऐसे था ना बेटा, इसका एड्रेस मैंने ए माना हुआ है, इसका एड्रेस मैंने बी माना हुआ है, ठीक है। अभी डिलीट कर रहे हैं मैम 16 को। चलो चलते हैं, शुरू करते हैं। पहले मैंने एक वेरिएबल ले लिया फ्लैग इक्वल टू 0, इसलिए लिया कि जब मेरे को एलिमेंट मिलेगा तो मुझे बताना है कि हाँ भाई अभी यहाँ पे काम करना है मुझे। नोड टेम्प में हेड डाल दिया कि हेड के, देखो मैंने अभी आपको ढूंढना है ना एलिमेंट को कि 16 कहाँ है, तो इसमें ट्रावर्स करनी पड़ेगी नोड, तो मैंने इस हेड की वैल्यू को टेम्प में स्टोर कर लिया, ठीक है। और बोले देखो भाई लूप लगा ली ढूंढने के लिए एलिमेंट को, बोले टेम्प जब तक नल नहीं हो जाता, मीन कि कोई एड्रेस नहीं है, मीन टेम्प में कोई भी एड्रेस नहीं होगा तब तक करते रहना काम, ठीक है। क्या काम करते रहना, ये देखो टेम्प डाटा, अभी टेम्प किसको रिप्रेजेंट कर, अभी हेड के पास किसका एड्रेस है बताओ, अभी हेड के पास क्या एड्रेस है, बोलो क्या एड्रेस है हेड के पास, ए। वो हेड के पास ए ही होगा कि कुछ और होगा बताओ जरा, ए है सर, ए ही होगा ना, क्यों होगा ए क्यों होगा, क्योंकि वो फर्स्ट नोड को पॉइंट कर है ना, रहा क्योंकि फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। तो इट मीन टेल में भी क्या एड्रेस हो गया, टेल नहीं सॉरी टेम्प में भी क्या एड्रेस हो गया, यही हुआ। वो ये तो समझ आ गया ना ए क्यों हुआ, क्योंकि आपने हेड की वैल्यू को टेम्प में पास कर दिया, तो इट मीन टेम्प की वैल्यू भी ए हो गई। अब जब बोले टेम्प जब तक नॉट इक्वल टू नल है, जब तक नल नहीं होता, तो अभी नल नहीं है, तो क्या करो, इफ टेम्प डाटा। अब इसका ये तो इस नोड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, इस नोड को, तो इस नोड का जो डाटा पार्ट है, ये देखो टेम्प का डाटा पार्ट क्या इक्वल टू वैल्यू है, जो वैल्यू आई 16, ये पूछ रहा है कि 8 16 के बराबर है। अगर होगा ये, अगर ये होगा तो फ्लैग को ट्रू कर दो, अभी ये फॉल्स है फ्लैग, ठीक है, फ्लैग 0 मीन फॉल्स, तो फ्लैग को 1 कर दो, ठीक है। और साथ में क्या कर दो, देखो अगर आपको मान लो ये मिल गया कि भाई यही वैल्यू 16 है, तो ये लूप चलेगी, यही चलेगी ना, देखो इफ टेम्प डाटा इक्वल टू वैल्यू, सपोज करो ये चीज मिल जाती है आपको, अभी मैं इस कोड के अकॉर्डिंगली बता रहा हूँ, इस कोड के अकॉर्डिंगली कि चलो आपको मिल गया तो ये लूप कैसे वर्क कर रही है। आपको मिल गया इफ टेम्प डाटा इक्वल टू वैल्यू, बोले जी हाँ ये भी 16 है ये भी 16 है, फ्लैग को 1 कर दो, और साथ में क्या कर दो, इफ हेड इक्वल टू टेम्प है ये क्या, इफ जी सर, हमको स्टार्टिंग वैल्यू ही मिल गई, कि इफ अगर जो हम सर्च कर रहे हैं वो हेड पे ही मिल गया हाँ अच्छा दोनों कंडीशन लेके चल रहे, तो फाइल टेम्प टू नल है, इफ डाटा पार्ट जो है वो नल है, ठीक है, और इफ हेड इक्वल टू टेम्प है, तो ये तो हम बोल ही रहे हैं हेड टेम्प ही है। हाँ? ये तो हम बोल यस ही सर, रहे हैं, ये कंडीशन एक्स्ट्रा होगी। कंडीशन एक्सटेंड नहीं होगी तो ये कंडीशन यहाँ से हटानी है नहीं। अभी एक चीज को चेक कर लेते हैं कि कंडीशन तूने एक्स्ट्रा कैसे लग गई तेरे से, मैं भी चला के देख लेता हूँ एक बार। नहीं, कोड तो चलाया है, कोड तो मैंने चलाया है, मतलब ये कंडीशन एक्स्ट्रा है, इसको हम हटा देते हैं, इसका कोई लॉजिक नहीं है। या तेरे को पता क्या करना था यहाँ पे, यहाँ था कि इफ, देखो एक मिनट रुक जाओ, इसको साइड में रख देते हैं, इफ फ्लैग 1 कर लिया, अगर तेरे को अब चीज मिल गई है, देखो अगर चीज मिल गई, ये देखो डाटा टेम्प डाटा है, तो तेरे को मिल ही गया, तो क्या करना है, फ्लैग 1 कर लेना है, और तूने वैल्यू कहाँ से मूव करी इसकी, मूव कहाँ करी वैल्यू, ये जो दूसरा इफ है, ये यस सर, चलो इफ टेम्प डॉट नेक्स्ट, इफ टेम्प डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नल है। नहीं पहले ये बताओ मेरे को कि जैसे ही अगर तेरे पास टेम्प डॉट डाटा इक्वल टू वैल्यू मिल गया, यस ठीक सर, है, टेम्प डॉट वैल्यू मिल गया पहले पे, इस कंडीशन पे चल रहे हैं, यस सर, तो मुझे क्या करना है, फ्लैग वन किया हाँ फिर
उसके बाद सर हमने चेक कर लिया कि जो जो टेम्प का नेक्स्ट है वो नल है कि नहीं, हाँ तो इसका मतलब वही सर ये कंडीशन एक्स्ट्रा ही से काट दो, ये वाली है ना? यस ये एक्स्ट्रा होगी सर ये। हाँ हाँ सर, मैं साइड में रख रखता हूँ इसको, मे भी जरूरत पड़े फ्यूचर में जरूरत पड़े, क्योंकि कोड रन हुआ है ना इसके साथ, तो हम चेक कर लेते हैं। ठीक है बेटा, एक मिनट सुन लो। अब बोले इफ टेम्प डाटा, ये वाली चीजें देखो, अभी लिंक लिस्ट में ये चीज बहुत रहती है जरूर, आपके जो नोड है ना वो फ्रंट और एंड दोनों साइड से अटैच होती है। मीन आपको ये नहीं करना है कि बस नोड मिल गया डिलीट कर दो, क्योंकि आपके पास उनमें प्रीवियस और नेक्स्ट दोनों का डाटा पड़ा होता है, तो आपने वो चीज भी देखनी है कि प्रीवियस और नल पार्ट। ये देखो अभी तो पहले तो आपने बोला इफ डाटा है और टेम्प है, तो चेक कर ली ये चीज और फ्लैग वन कर दिया कि ठीक है मिल गई मुझे। बोले इफ अब चेक करो, इफ टेम्प का जो नेक्स्ट पार्ट है, टेम्प का एक मिनट, टेम्प और हेड, टेम्प तो टेम्प का जो नेक्स्ट पार्ट है उसको हेड बना दो। अच्छा मूव करने के लिए है ये? यस सर, मूव करने के लिए लगाइए। अभी देखते हैं इसको, बीच में भी यूज कर सकते हैं बाद में। ठीक है वाइल के अंदर ही चल रहे हैं बेटा अभी हम, पहली वाइल पहली बार के लिए। ठीक है वाइल के अंदर चल रहे हैं अभी हम। ठीक है इसको थोड़ा सा समझने के लिए, ताकि हमें ये बताए हम वाइल लूप के अंदर हैं अभी, ये भी वाइल लूप के अंदर है अभी। ठीक है और यहाँ से वाइल लूप बंद हो गए ना यहाँ से, देखो बेटा। और टेम्प टेम्प नेक्स्ट किया, ये तो उस लूप में जाने के लिए है ना, दोबारा से सेकंड टाइम में जाने के लिए। यस सर। ठीक है तो ये और इफ फ्लैग इक्वल टू जो है तो वैल्यू नॉट फाउंड है। ओके गुड हो गया, सारा हो गया। ठीक है अब हम ये कंडीशनें देख रहे हैं, बस ये दो कंडीशनें समझने के लिए। देखो इफ टेम्प डाटा मिल गया तो फ्लैग बंद कर लिया कि भाई मिल गया मेरे को डाटा। दूसरा काम मेरे को ये मिल गया कि मेरी ये नोड पे 16 है, ये मिल गया मुझे। ठीक है उसके बाद बोल दिया कि इफ टेम्प का नेक्स्ट, ये चेक करो कि टेम्प का नेक्स्ट जो है वो नल है क्या। अगर नल नहीं है तो क्या करना, अगर देखो अब नल नहीं है ना ये, तो क्या करना है, नल नहीं है ये तो क्या किया इन्होंने, ये देखो ये काम देख लो क्या किया, बताना क्या किया बेटा। यहाँ देख लो इसको, तो चलो मैं ना सर यहाँ पे ना एक और नोड बना लो 16 से पहले, फिर समझ नहीं आएगा ऐसे। नहीं नहीं आ जाएगा, रुक जाए एक मिनट, मैं थोड़ा ना डाटा नीचे ले आऊंगा, मैं तो मूव कर रहा हूँ स्पेस बना रहा हूँ यहाँ पे लिखने के लिए ना। सर वैसे ना मैंने तभी 16 बाद में किया था, क्योंकि यहाँ पे उससे पहले नोड नहीं बनी ना अभी। नहीं नहीं अरे मैं समझा दूंगा, रुक तो जा एक मिनट, आ जाएगी समझ, क्यों नहीं आएगी, इनको हद हो गई। ये तो इसका था ना, इसका नहीं। देखो बेटा अभी हम 16 डिलीट कर रहे हैं, ठीक है, और सपोज करो 16 मेरा फर्स्ट पे है बेटा, फर्स्ट पे भी हो सकता है ना, ना मिले दोनों केस में चलना है। देखो मैंने दोनों केस ही करा देने हैं, मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है देखो अभी 16 को मैं इस वाली केस पे ले रहा हूँ, इस वाले केस में कि मिल गया मुझे, अगर मुझे मिल गया तो क्या करना है, फ्लैग बंद कर दो। ठीक है फ्लैग बंद कर दिया, अब मुझे ये चेक करना है, तो ये 16 मिल गया मुझे, इसको तो हटा दूं मैं। ठीक है उसके बाद बोला कि इफ, अब ये चेक करो कि ये देखो टेम्प इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ना, इसकी जगह टेम्प है, अभी हेड तो ऊपर रह गया, इसकी जगह मान लो टेम्प है। अब ये कह रहा है कि टेम्प का जो नेक्स्ट पार्ट है क्या वो नल है, नल तो नहीं है, तो ट्रू हो गई कंडीशन, नल नहीं है। यहाँ अंदर आए तो इन्होंने क्या बोला, क्या कर दो, टेम्प का प्रीवियस क्या है, नल है, टेम्प का प्रीवियस नल है, उस नल वैल्यू को कहाँ डाल दो, इसमें डाल दो, एक जगह डाल दो। ठीक है टेम्प के, अभी टेम्प का, ये देखो टेम्प का नेक्स्ट ये है, और इसका टेम्प के नेक्स्ट में किसका एड्रेस है, इसका एड्रेस है, ये देखो ना टेम्प के नेक्स्ट में किसका एड्रेस है, बी का, और बी के प्रीवियस पार्ट में क्या डाल दो, टेम्प का प्रीवियस, तो टेम्प के प्रीवियस नल है। इट मीन इसमें क्या, इसमें अगर मैंने नल वैल्यू डाल दी तो ये तो अपने आप ही हट गया। ठीक है और ये क्या किया इसके बाद, इफ टेम्प का प्रीवियस,
अच्छा ये फर्स्ट नोड के लिए वो है ना, तभी दिक्कत यस आ सर रही है यस ना, सर यस सर, तो दिक्कत आ रही है समझाने में, क्योंकि नोड इनको लगेगा कि यार नोड ये क्योंकि सर सेकंड इसमें वाली दोनों कैसे है ना, मूव करे। लास्ट के लिए भी है, सेंटर के लिए भी है और फर्स्ट के लिए भी है मतलब सबके लिए एक ही केस में बना दिया, सर। तभी तो समझाने में दिक्कत आ रही है इस कोड को। चलो ठीक है, इसके बाद क्या किया, इफ बोलिया टेम्प का प्रीवियस पार्ट, टेम्प का प्रीवियस पार्ट अगर नॉट इक्वल टू नल है तो क्या कर दो, टेम्प के नेक्स्ट पार्ट में क्या कर दो, टेम्प के प्रीवियस पार्ट का नेक्स्ट पार्ट डाल दो यार। कोई नहीं बेटा, डिलीट वाला पार्ट रहने दो अभी, क्योंकि मैं इसको अलग अलग समझाऊंगा। सॉरी, ऐसे कोड रन कर रहा है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं किसी मतलब इस कोड की, आप एक बार ट्राई करना, नहीं तो मैं इसको लग बेटा ऋतिक ऋतिक हाँ जी सर, बेटा, ये सारा कोड ना एक्चुअली ऐसे तो कोई चक्कर नहीं है इसका, पर ऑनलाइन में समझाना बहुत औखा हो रहा है, ऐसे ब्लैक बोर्ड पे होता फिर समझ भी जाते, ठीक अलग कर देंगे सर सारे या है। तो। हाँ मतलब मैं क्या करूंगा, मैं अलग अलग समझाऊंगा इस चीज को, ठीक है। मतलब फर्स्ट एंड और लास्ट ना, तूने एक्चुअली क्या कर लिया ना, पूरे केस एक में ही कर रखे हैं, तो फिर मैं भी समझ जाऊंगा, लेकिन बच्चों को समझना मुश्किल हो रहा है, ठीक है। इसलिए मैं ये चीज ना बेटा अलग अलग से करवाऊंगा, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, इस डिलीट वाला पार्ट अभी रहने दो ना, मैं डिलीट आपको, हाँ अपने आप अगर ट्राई करना है ऐसे तो मैं कर सकते हैं अभी हम, ठीक क्या कहते हो बताओ, अगर ऐसे मैं ग्राफिकली समझा दूं तो समझाओगे अभी डिलीट वाला पार्ट। चलो एक मिनट रुको, यहाँ पे डिलीट वाला पार्ट लेते हैं हम, ऐसा करते हैं उस कोड को, उस वैल्यू को भी लेके आते हैं नीचे, मैं फंक्शन लेके आ गया नीचे, ठीक है देख लेना बेटा क्या करा रहा हूँ मैं अभी, ये फंक्शन मैं नीचे लेके आ गया, ठीक है। इसके नीचे सर भी अभी ना कोड है, आप सर जो हाँ अभी आपने वहां पे रिप्लेस किया ना 8 को 16 से चेक करने के हाँ लिए, तो हाँ अभी वहां मत करो, मैंने बाद में वो किया है तो बाद में ज्यादा सही रहेगा कहाँ सर। कहाँ पे ये, सर नीचे देखो मेन में, अच्छा मेन में सर यस सर, डिलीट मैंने किया है एक और जगह तो वहां पे ज्यादा सही समझ आएगा, वहां पे से 8 को रिप्लेस मत करो अभी ये देखो, डिलीट डाटा, डिलीट यस सर, यहाँ इंडेक्स, प्रॉपर समझ आएगा क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड पे डिलीट होगा। इंडेक्स और डिलीट इंडेक्स। पता क्या है बेटा, एक्चुअली तेरे को कोड की पूरी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, चक्कर ही है, और यहाँ पे फिर फंक्शन बहुत सारे कॉल हो गए हैं, तो मुझे लगा था ये इजी हो जाएगा, बट मेरे लिए टफ हो रहा है समझाना, समझ रहे तो, मेरे यस लिए टफ सर, हो रहा है कि सारी चीजें एक साथ से समझाना ना, ऐसे तो कोई नहीं है, मुझे भी समझ आ गई तुझे भी समझ आ गई है जिसने तूने करा है, क्योंकि जो न्यू कर रहे हैं ना बेटा, न्यू न्यू बच्चे के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा करना, इसलिए अभी रहने दे, ठीक है। अभी हम सिंपल कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाओ, इकट्ठे इकट्ठे करते हैं सारे मिलके, ठीक है। यहाँ हो गया, क्योंकि देखो ना यार एक बार करानी है चीज, और ऐसे वेस्ट करके करा दी तो कोई फायदा नहीं होगा उस चीज का। अभी हम सिंपल तरीके से कर लें, तूने मर्ज कर ली चीजें, बहुत सही करा है कि तूने अंडरस्टैंडिंग कर ली अच्छे से, बट सपोज करो मेरे पास लिंक लिस्ट ये है बेटा, डबल लिंक लिस्ट ये है, ठीक है, या ये कौन सी वैल्यू है यहाँ पे डबल लिंक लिस्ट में, अच्छा यहाँ तो ए बी सी है, ए बी सी डी, चलो कोई नहीं मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक सर है। आप पेंट ये खोल के चीज समझा दो ना, पेंट पे भी तो बन जाएगा, स्क्वेयर्स वगैरह बन जाते हैं आराम से। तो मुझे लिखने के लिए दिक्कत होगी वहां पे मेरे को इतनी ज्यादा, ये तो समझ रहे हो ना, देखो पता क्या क्यों कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि टाइम वेस्ट हो ना हो ज्यादा। देखो बेटा हेड सबको पता है, होता ही है, देखो ये फर्स्ट नोड मैंने ऐसे बनाई है, इसके फर्स्ट प्रीवियस में नल है, डाटा पार्ट में 8 है, नेक्स्ट पार्ट में बी है, ठीक है, और मैंने ये साथ में लिख भी दिया है यहाँ पे कि भाई इसका जो एड्रेस है वो ए है, ठीक है इस नोड का, ठीक है, और इस नोड का जो एड्रेस है वो क्या है, बी है। चलो एक आधी नोड और इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है एक आधी नोड और इंसर्ट कर लेते हैं, मैं डबल इसलिए लगा रहा हूँ कि दोनों साइड को है ये इसलिए लगा रहा हूँ। अगली नोड मेरे पास मान लो मेरे पास है, जैसे मैंने अभी क्या लिया, 9 ले लिया, ठीक है, तो 9 के, अच्छा 9 के पहले पार्ट में क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा बोलो, भी ठीक है, इसकी वैल्यू ले ली मान लो 10, और इसके आगे क्या नल वैल्यू मान लो, यहाँ ये इसकी वैल्यू जो एड्रेस है वो मान लो 6 है, बताओ कहाँ यहाँ कितनी होगी वैल्यू, यहाँ कितनी होगी, सी सी, बस इतना तो पता है ना सबको, अब आइडेंटिफाई मतलब विजुलाइज कर रहे हो ना कि नोड कैसे हैं, हेड नोड में किसका ना किसका एड्रेस है, ए का, इस एड्रेस इसका, ठीक है इस वाली नोड का,
हेड में एड्रेस एक है फर्स्ट नोड का, फर्स्ट नोड का प्रीवियस पार्ट नल है, डाटा पार्ट में एट है, नेक्स्ट फील्ड में इसका एड्रेस है नेक्स्ट नोड का। अब इस नोड पे आ गए, इसमें प्रीवियस फील्ड में प्रीवियस नोड का एड्रेस है, ये इसका डाटा फील्ड है, ये इसका नेक्स्ट फील्ड है, तो नेक्स्ट फील्ड में नेक्स्ट नोड का एड्रेस है और इसके प्रीवियस फील्ड में बी का एड्रेस है। ये 10 क्या है, वैल्यू है, लास्ट नल है। एक आधी और ले लूं वैल्यू, चलो ठीक है अब नहीं लेते। सपोज करो अब एक एक केस लेके चलते हैं। केस क्या है मेरे पास कि मेरे को 10 डिलीट करना है। सपोज करो मुझे 10 डिलीट करना है, मैं कैसे करूंगा 10 डिलीट बताओ। अब मेरे पास ये वैल्यू आ गई 10, वैल्यू आ गई 10, हाँ बताओ कैसे शुरू करें, कौन बताएगा? सर सी में नल डाल दो, है सी में नल डाल दो, सी में, इसमें नहीं सर उसका बी का जो नेक्स्ट है बी के नेक्स्ट में नल, बी तक कैसे पहुंचूंगा? ट्रैवर्स करके तभी बोल रहा ना मैंने कि कैसे शुरू करूं, बोलो। हाँ देखो अभी मुझे 10 डिलीट करना है, ठीक है, लेकिन मुझे ये ढूंढना है, पहले मुझे ये ढूंढना पड़ेगा कि 10 इस लिस्ट में है या नहीं है। अभी अभी मैंने ये नहीं कह रहा है, देखो अब बेटा ये पहले सुन लो एक बार, क्वेश्चन कैसे हो सकता है कि डिलीट फर्स्ट नोड, फर्स्ट नोड कि फर्स्ट नोड को डिलीट करो। अब यहाँ पे ये वैल्यू नहीं बोल रहा है कुछ भी कि किस वैल्यू की करो, ये कह रहा है कि फर्स्ट नोड को डिलीट करो। इस टाइम पे आपको हेड का एड्रेस मिलेगा, ठीक है, या दूसरा चीज क्या बोल सकता है वो कि डिलीट एंड नोड, या ये हो सकता है, दो चीज होगी, डिलीट फर्स्ट नोड या डिलीट एंड नोड, या ये बोल सकता है। देखो प्रोबेबल केसेस हैं, डिलीट मिडल नोड, मिडल यहाँ आपको काउंटिंग करनी है, या आपको कुछ वैल्यू दे रखी है, डेटा दे रखे है। अभी हम इसको कर रहे हैं सपोज के, चलो इसको भी कर लेते हैं, मान लो सबको कर लेते हैं तीनों को मिलके। अभी सर यहाँ हम पे एक और एडिशन भी कर सकते हैं कोड में कि देखो अगर हमने लास्ट नोड को डिलीट करना है हाँ तो हमें हाँ ट्रेवर्स करना पड़ता है, इससे अच्छा हम एक टेल वेरिएबल टेल नोड ले लें ऊपर और बेटा टेल को हर बार अपडेट कर दें। वो तो मैंने पिछले बार बताया नहीं था, जब मैं लिंक लिस्ट भी करवाई थी तो भी ये बोलना था कि लास्ट यस नोड सर अगर आपको चाहिए ना, अगर आप अपने कोड में जिसको देखो बेटा अंडरस्टैंडिंग हो जाए ना, वो सब कुछ करेगा। मैं वही चीज कह रही है कि यहाँ हमारी क्लास में डिफरेंट तरह के बच्चे हैं, तो मैं ये लेके नहीं चल रहा हूँ अभी, लेकिन जब जब जैसे तेरा दिमाग कर गया कि सर मुझे ट्रावर्स करने से अच्छा है कि मैं क्या करूँ, जैसे जैसे नोड आती जाएगी तो मैं एक और वेरिएबल लेके जिसका नाम मैं टेल रखूंगा तो वो टेल को अपडेट करेगी, वो तो और ही बेस्ट है, मतलब वो सबसे बेस्ट है अगर ऐसा कर सकते हो तो, बट मैं अभी करवा नहीं रहा हूँ, लेकिन अगर तुम कर सकते हो तो बेटा कर लेना उसको, ठीक है। सपोज करो अब मैं इसमें और केस हैं डिलीट वाले में, बताओ मुझे डिलीट क्या, एक फर्स्ट नोड को डिलीट करना, लास्ट नोड को डिलीट करना, और कौन सा आ गया, मिडिल एलिमेंट को डिलीट करना। मिडिल में हो सकता है बेटा कि किसी या किसी पर्टिकुलर नोड को इंडेक्स दिया हुआ, या पर्टिकुलर कोई इंडेक्स दिया है उससे बिफोर करना, उससे बिफोर इंडेक्स से पहले वाले नोड को डिलीट करना, या इस इंडेक्स के बाद वाले नोड को डिलीट करना, या पर्टिकुलर डाटा वाले नोड को डिलीट करना, ये आपके केस मिल सकते हैं आपको, ठीक है। अच्छा अब सपोज करो आपको फर्स्ट डिलीट करना है, यहाँ से दे दिया मैंने फर्स्ट डिलीट करना है, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से, यहाँ से क्या मिला होगा आपको बताओ, क्या मिला होगा अगर आपको मैं बोल रहा हूँ कि डिलीट करना है, अभी डिलीट फ्रंट, फ्रंट से डिलीट करना है, FRONT फ्रंट से डिलीट करना है, बताओ क्या मिलेगा आपको, तो हेड का ही एड्रेस मिलेगा। यस सर हेड देखो फ्रंट से डिलीट करना तो हेड का ही एड्रेस मिलेगा, और अगर चलो अब बताओ मेरे को क्या करना, बोलो नोड, हाँ नोड, हाँ बोलो सर हेड को कॉपी कर डिलीट लो, कहाँ पे, इसमें कॉपी कर लिया, ठीक है। अब अगला काम, अब ये सर देखो देखो अब आप ना बेटा फर्स्ट नोड को डिलीट करो, मीन ये नोड डिलीट करनी है, बताओ, हाँ फर्स्ट नोड, क्या चेक करना ये अब कर बोलो। अब ये चेक करना है, पहले ये कर लेंगे कि जो बी का प्रीवियस है ए, क्योंकि बी का प्रीवियस क्यों, तो सर हमें फर्स्ट नोड डिलीट करनी है हेड नोड, हाँ हाँ तो हम बी के प्रीवियस में नल डाल देंगे और हेड को बी, बी में बी बना देंगे। अभी मुझे कुछ करना है ट्रावर्स करना है, ट्रावर्स करने की जरूरत तो है ही नहीं। यस सर नहीं है जरूरत क्योंकि हमारा हेड ही हाँ करना है डिलीट, हाँ क्या करूँ बोलो, बताओ क्या तो सर लिखूँ, बी के प्रीवियस में नल डाल दो। हेड हेड वैल्यू आई है अभी,
ठीक है, यस सर, मतलब हेड को मैंने नीचे से तो हेड आई होगी ना, उसको मैंने यहाँ पे फ्रंट हेड में डॉट नेक्स्ट, हेड फ्रंट रख दिया इसका नाम, क्योंकि जो रिसीव कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो हेड को ये यस ना सर, बच्चे कन्फ्यूज ना कर देना कि हेड में चेंज कर दिया। हाँ बताओ अब क्या करूँ, फ्रंट फ्रंट के फ्रंट डॉट डॉट, हाँ नेक्स्ट डॉट फ्रंट डॉट प्रीवियस, नेक्स्ट, फ्रंट डॉट नेक्स्ट ये आ गया ना, फ्रंट डॉट नेक्स्ट। हाँ इसकी वैल्यू को कहाँ भेजना है, फ्रंट डॉट इसकी नेक्स्ट टू बी हुआ ना, फ्रंट डॉट नेक्स्ट, हाँ ये बी हुआ। सर बी सेकंड नोड नहीं होगा, बी तो सेकंड नोड है ना, बताओ मैं पूछ रहा हूँ तेरे से क्या करूँ मैं। हाँ सर अभी मुझे फ्रंट करना डॉट क्या नेक्स्ट तो हम बी को पॉइंट कर रहे हैं अब, सिक्स जहां पे सिक्स देखो, है। मुझे करना क्या है कि इस नोड के एड्रेस को, ये नोड का एड्रेस ठीक है, ये नोड ना, तो ये नोड, इस नोड का एड्रेस कहाँ है, बी का एड्रेस कहाँ है, यहाँ पे है ना, यस ये एड्रेस मुझे हेड में डालना है, यही हुआ। अगर यस सर, मुझे फ्रंट से डिलीट करना है तो क्या करूंगा, बोलो बोलो। हेड का एड्रेस मैंने फ्रंट में लेके आया हूँ, बोलो क्या करूंगा। फ्रंट का जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, बी है, यस फ्रंट सर, का नेक्स्ट पार्ट बी है, उसको किस में डालना, उसको किस में डालना, हेड में, यही हुआ। यस मीन अब सर, हेड किसको रिप्रेजेंट करने लग गया, इस नोड को, इस नोड को। यस सर, अब मेरे को यहां किसकी वैल्यू है, ए की, तो इस वैल्यू को क्या करना है, नल करना है, कैसे यस सर, करूंगा बोलो। हेड का प्रीवियस, अभी हेड किसको रिप्रेजेंट करने लग गया, अब देखो ना बी अभी क्या को, करा आपने, है ना, बी को, तो यस सर, हेड देखो अभी हेड किस में, जब ये स्टेटमेंट एक्सिक्यूट हुई तो इट मीन हेड में वैल्यू कितनी आ गई, बी, यही हुआ। यस इट सर, मीन अब हेड किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस नोड बी को, को, यस इस सर, नोड का प्रीवियस पार्ट क्या है, हेड का प्रीवियस पार्ट ही हुआ, यस तो सर, उसको कितना कर दे, किसके बराबर नल, कर दिया, नाल के बराबर। बस बस हो गया आपने, दिया। अगर आपने फ्रंट से करना है तो बेटा आपका इतना काम है, अगर आपने फ्रंट से करना है ठीक है। अब आपको सपोज करो मैंने बोल दिया कि डिलीट फ्रॉम एंड, डिलीट फ्रॉम एंड, अब बताओ क्या करना है, डिलीट फ्रॉम एंड, एंड से डिलीट करना है, तो क्या करोगे बोलो, एंड से डिलीट करना है मीन अब तो सर हमको आपको एंड वैल्यू मिली हमको अब, ठीक है। हाँ एंड कहाँ से मिली, एंड वैल्यू तो होती नहीं, कैसे मिलेगी एंड वैल्यू, ट्रैवर्स हाँ करके, एंड वैल्यू तक जाना है आपको ठीक है। यस सबसे पहले क्या सर, करोगे बोलो, डिलीट तो मैंने यहाँ लिख दिया, कैम इसका नाम रख हेड को दिया, कॉपी कर लेंगे, हेड इसका नाम रख दिया एंड मैंने ठीक है, एंड में रिसीव हुई आपको वैल्यू, क्या करा आपने सबसे पहले, को कॉपी कर लो ओ सर, सॉरी, यहाँ से ना आपको हेड की वैल्यू मिली होगी नीचे से, और हेड की वैल्यू आप एंड नोड में लेके आ गए ठीक है। अब बताओ क्या करना, सर हेड को कॉपी कर लो, कहाँ पे, अच्छा, तो नहीं वो तो एंड में आया ना, एंड में आया वो, एंड वाली नोड में, तो क्या कर रही आपने बोलो, नोड ट्रावर्स करने के लिए कोई नोड ले ली, आप एंड चाहिए होगा शायद, तो यस सर, आपने टेम्प क्या ले लो, कर लिया, टेम्प ले इक्वल ली टू और एंड, इक्वल टू और एंड, है ना, हेड का यस एड्रेस सर, इसमें डाल दिया ठीक है। और व्हाइल लूप अब लगा देंगे, व्हाइल, हाँ बोलो व्हाइल, हाँ अब यहाँ टेम्प से नॉट चले आप इक्वल टू पहले नल, से ठीक है, तब तक वेरी गुड, टेम्प डॉट नॉट, या नॉट इक्वल टू, या ऐसे कर लो कोई, एक ही बात होती है, यस इस पे सर, आप नोड तक पहुंचते हो ठीक है, ये यह ध्यान रखना, या जब तक ये नॉट इक्वल टू नल नहीं हो जाती ठीक है, तब तक आपने क्या काम करना है, बताओ क्या काम करना है टेम्प अब। टेम्प इक्वल टेम्प डॉट नेक्स्ट, बस एक ही काम करना, नहीं बेटा देख लो क्या क्या करना है, बताओ जरा, टेम्प, हाँ इक्वल टू टेम्प टेम्प की डॉट वैल्यू, नेक्स्ट, हाँ टेम्प डॉट नेक्स्ट, डॉट नेक्स्ट ठीक है, ऐसे ऐसे करते रहो, फिर आपके पास आप एक टाइम आएगा जब आप यहाँ पे पहुंचोगे, मीन टेम्प डॉट नेक्स्ट नल के बराबर मिल जाएगा आपको लास्ट में, इट मीन आप अभी यहाँ पे हो ठीक है, ये देखो टेम्प पे हो ठीक है। अब क्या करोगे सर पर बोलो, ये हाँ जो आपने व्हाइल लूप लगाया ये लास्ट सेकंड क्यों, नोड पे रुक जाएगा टेम्प नेक्स्ट ये नहीं है, जब आप सर, ऊपर जाओगे दोबारा, हाँ सर जब हम बी पे आएंगे, सिक्स हाँ सिक्स वाली नोड पे,
तो उसका नेक्स्ट नल होगा। इसका नेक्स्ट नल कहाँ है? सी है ये, ठीक ठीक है सर, ठीक है, है? मतलब हाँ आप समझ जब गए समझ ये गए। नेक्स्ट नल ये होगा ना बेटा, जब आप यहाँ पे आओगे ना, जब आप इस दोबारा से ऊपर यहाँ आओगे तो टेम्प कहाँ पे होगा? सी पे होगा, ठीक है? अब आप यस सी पे आ सर, गए हो, अब बताओ क्या करना है? अब जो सर इसका प्रीवियस है, तो इट वाल, हाँ क्या करोगे? प्रीवियस वाले की एक चेक रखना पड़ेगा क्या? हाँ रखना ही पड़ेगा सर, तभी हम उसमें वैल्यू सी जो बी का नेक्स्ट है उसमें नल डालने पड़ेगा ना, हमें बी बी के नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट में में नल वैन। नल डालना होगा, तो हमें मतलब एक पहले स्टॉप करना होगा लूप। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे हम, बताओ? डिलीट फ्रॉम एंड, हाँ बोलो। डिलीट फ्रॉम एंड, यहाँ पे करा तूने कोड पे? तूने यस सर किया हुआ, मिक्स मिक्स ही करा है सारा, है ना? यस सर, प्रीवियस, हाँ। तो एक चेक प्रीवियस के लिए भी रखना है क्या? रखना पड़ेगा सर, रखें, क्योंकि तो हमने उसमें भी किया था ना सिंगल इंग्लिश, उसमें भी रखा था, हाँ। तो इसमें भी रखना पड़ेगा। देखो मुझे क्या करना है यहाँ पे, अभी हम आप यहाँ पे हो, है ना? यहाँ से इस लोस्ट नोड पे आ गए यहाँ पे, ठीक सर है? अभी आपको काम क्या क्या करने हैं? यहाँ से एक ही काम करना है क्या, कि अच्छा इस नोड पे, इस प्रीवियस नोड पे, इसकी प्रीवियस नोड पे ही रुकना है। तो क्या करोगे, कैसे टेम्प डॉट रुकोगे नेक्स्ट डॉट उसमें? नेक्स्ट, यहाँ पे यस सर, नहीं, डॉट नेक्स्ट लगा देंगे, यहाँ पे यस सर। नहीं, नहीं 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 नहीं, ये कैसे? तो सर वो ए बी पे रुक जाएगा ना, सिक्स पे रुक जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट की नेक्स्ट नल है, हाँ, तो अच्छा बस नेक्स्ट की बात, नेक्स्ट नल है, हाँ यस सर, तो बी पे ठीक रुक ठीक गया ठीक वो, ठीक है। बी पे रुक गया यहाँ पे, और साथ यस में ये कर सर, देंगे फिर बाद में इसके जो जहां पे ये रुकेगा टेम्प, तो बाद यस सर, में ये कर टेम्प देंगे टेम्प डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नल डॉट नेक्स्ट नेक्स्ट की वैल्यू को क्या कर दोगे आप? नल, नल के बराबर कर दोगे, ठीक है? यस सर, तो इट मीन ये नोड आपके पास अपने आप क्या हो जाएगी, यहाँ नोड से बाहर हो डिलीट। जाएगी। बेटा ये चीज जब आप ना, जैसे आप डिलीट के हम ये केसेस ले रहे हैं, ये आप कॉपी पेंसिल पे एक लिंक लिस्ट बना के, डबल लिंक लिस्ट बना के, इस तरह से डबल लिंक लिस्ट बना के खुद ट्राई करना कोड, ठीक है? कि कैसे करोगे अलग अलग केसेस के लिए, ठीक है? अब आ गया हमारे डिलीट मिडल। तो डिलीट मिडल में क्या करोगे, डिलीट मिडल में क्या करोगे, कोई और बताएगा? अब डिलीट मिडल, डिलीट मिडल में कैसे करोगे, क्या करोगे? सबसे पहले ट्रावर्स करके क्या करोगे, बताओ बेटा क्या करोगे? मिडिल एलिमेंट डिलीट करना है, मिडिल करोगे इस कोड को अपने आप मिडिल। अच्छा हाँ, डाटा पार्ट का देख लेते हैं, मिडिल का भी ट्राई करना आप। डाटा का पार्ट बोलो, डाटा पार्ट कैसे डिलीट करोगे बताओ? डाटा पार्ट क्या करोगे, सबसे पहले लिखोगे बोलो सर बेटा सर्च डाटा करेंगे पार्ट। पहले तो कहाँ पे है वो, सबसे पहले करोगे क्या, वो एंड में आ गया ना ये, चलो यहाँ लिख दिया मैंने आपके पास, स्मॉल नोड में आ गया, स्मॉल नोड में, वो कैपिटल नोड है ना, स्मॉल नोड में आ गया डाटा, हाँ हेड का। क्या लिखोगे सबसे पहले? सर। हाँ सर अब डाटा आपको आएगा तो यहाँ पे डाटा डिलीट इंट में करना आएगा है, ना वो, हाँ डाटा तो इंट में, तो सर ऊपर नोड की डाटा जगह इंट नहीं आएगा, कहाँ पे, यहाँ पे, हाँ वो यस सर, सॉरी गुड, यहाँ पे आ गया इंट, तो मेरे को पास इंट आ गया डाटा पार्ट में, ठीक है? यस हाँ सर। बताओ क्या करना है बोलो, अब सर सबसे पहले ट्रैवर्स कैसे कर करना लेंगे, है, कॉपी सबसे कर पहले लेंगे क्या उसको, करेंगे आप? टेम्प हेड डाट, हाँ हेड को कॉपी कर लिया मैंने, तो लिख दिया मैंने नोड नोड टेम्प इक्वल टू इक्वल टू हेड, हेड, ठीक है? आगे ठीक टेम्प डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल होगा, है, इफ क्या करना, अभी डाटा डिलीट करना है, तो मीन डाटा, हमने डाटा ढूंढना है, तो कब तक यस ढूंढना है? सर, व्हाइल, व्हाइल बोलो, लिखो फटाफट टेम्प बोलो, व्हाइल टेम्प नॉट इक्वल टू डॉट नल नॉट, नेक्स्ट, टेम्प कर लेते हैं नेक्स्ट तक, जब तक नल नहीं होता है यस तो सर, लास्ट डाटा एक्सेस हो जाएगा हमारा टेम्प। डॉट चलो नेक्स्ट, अब तो ऐसे टेम्प पे नल लगा लेते हैं, देख लेना कहाँ तक चलेगा अपना, वो यस एक बार सर, कॉपी पे भी लगा के देख लेना कैसे। ओ सॉरी क्या लिखा, टेम्प नॉट इक्वल टू, नॉट जब तक इक्वल टू आप नल नल नहीं है तो क्या करना है बताओ, फिर क्या करना है? अगर सर, मिल गया, अब आ गया भाई लूप तो लगा लिया, अगर इफ फिर
इफ हाँ टेम्प डॉट टेम्प डाटा इक्वल का, इक्वल हाँ डाटा टेम्प का, हाँ डाटा टेम्प का डाटा पार्ट अगर इक्वल टू इक्वल टू इक्वल किसके इक्वल है, डेटा किसके डाटा है, डेटा ठीक है। अब आपको बेटा ऐसे नहीं, इतना आसान नहीं है ये, इतना आसान नहीं है इसको डिलीट कर पाना। बताओ क्या करना। अब आपको सपोज करो, आपको आपने ये टेम्प से शुरू करा डिलीट करना, ठीक है। अब देखो डाटा पार्ट टिपिकल है, देखो अब हो सकता है डाटा पार्ट आपको, ये जो डाटा है ये हो सकता है फर्स्ट में भी मिल जाए, हो सकता यस है सर, लास्ट में मिल जाए, हो सकता है मिडिल में भी मिल जाए, यही यस है ना। कितना मुश्किल है, लग तो बहुत आसान रहा सर, है ना, कि भाई डाटा ही डिलीट करना है, एक्सेप्ट सर्च करो डाटा मिल गया बाहर आ जाओ। लेकिन अगर डाटा आपको बोल रहा है कि पहले पे मिल जाए तो और फिर सर इफ जो डिलीट करना है उसके दोनों दोनों साइड के हमको शब्द बहुत, चेंज करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ बहुत टिपिकल हो जाएगा, मतलब ऐसा नहीं है कि होगा नहीं है, लेकिन आपको कंडीशंस बहुत लगानी पड़ेगी। देखो यस सर, तभी डाटा है, क्योंकि क्योंकि इफ आप लगाया है। तभी तूने यहाँ पे ये मुश्किल, मतलब तभी ये मुश्किल हुआ है कोड बनाना, यस सर, ये तीन देखो तीन तभी इफ क्योंकि लगे हुए ओहो हैं। हो यही कोड ठीक था वैसे। एक्चुअली तब मेरे माइंड में निकल गया कि वो हमारे पास क्या नोड था, ये डाटा है, यस सर, ठीक है। ओहो ठीक है, सॉरी। तो क्योंकि सर देखो जैसे ये आप होता कह है रहे हो ना, तो हमको तीन तीन फंक्शन बन जाएंगे, बहुत बड़ा कोड हो जाएगा फिर वो। ठीक है ठीक है ठीक। नहीं बेटा देखो ये कंडीशन तो रहती रहती है, देखो डाटा है ना, देखो डिलीट फ्रॉम फर्स्ट, ये भी अगर डाटा फर्स्ट नोड पे मिल रहा है, लेकिन वहां मैं सिर्फ ये कह रहा था कि मेरे को डाटा से कोई लेना देना नहीं है, मेरे को नोड डिलीट करनी है। देखो अंडरस्टैंड करो, यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, यहां से ये डाटा अगर फर्स्ट मिल रहा है वो तो लक है ना, यस सर, और ये डाटा जो है वो नोड फर्स्ट है, तो इसमें ये थोड़ी बोल रहा है वो डाटा कौन सा है, यहाँ तो मैं नोड बोल रहा हूँ फर्स्ट है, इजी है, दो यस सर, कोड बनाया हमने, डिलीट यस सर, फ्रॉम एंड ये भी डिलीट है, क्योंकि मुझे वैल्यू से कुछ नहीं लेना देना, क्योंकि वो अब यस मेरे को सर, स्पेसिफिक चीज मिल रही है कि मुझे एंड में डिलीट करना है फर्स्ट है, मिडिल का भी यस यहाँ पे कोई डाटा की बात नहीं हो रही है, लेकिन जब मैं डाटा पे आता हूँ तो इट मीन डाटा मेरे को कहीं भी मिल सकता है, ठीक है। सर, स्टार्टिंग चलो मिडल एंड में। शुरू करते हैं, ठीक है, कि अगर डाटा मिल रहा है तो, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने एक यहाँ पे टेम्प लू कि ना लू बताओ, वही सर जो कॉपी तूने तो कर टेम्प लिया, हेड इसको, को जरूरत ही नहीं, अब चलो हेड को कॉपी कर लिया, जरूरत ही नहीं हेड अब को तो। कॉपी कर लिया, चलो 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 ठीक है। बोले व्हाइल टेम्प नॉट इक्वल टू नल है तो ये काम करना है, ठीक है। ये तो इसको तो मैं यहां लिख देता हूँ, इफ टेम्प डाटा इक्वल टू डाटा है, ठीक है, फर्स्ट टाइम चल रहा है वो टेम्प, फर्स्ट टाइम है क्या एड की वैल्यू है, बोलो अब क्या लगाना है कि वो फर्स्ट है कि नहीं है, ये कैसे पता चलेगा, तो ये सर वही ठीक होगा लगा जो हेड इक्वल इक्वल टेम्प करना है। ठीक लगा ये एक्चुअली पता अब समझ आ रहा है पूरा कोड यस कि सर, उस टाइम क्या हुआ था, ठीक है। टेम्प इक्वल इक्वल हेड, इफ टेम्प इक्वल इक्वल हेड। मैं देखा ना, देर जब तक हमने पूरी मेहनत नहीं कर ली ना इस पे, भगवान ने बोला तुम सर इतनी जी मर जाओ यहां से, तुम लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ इफ हाँ, इसमें तूने टेम्प कुछ और भी इक्वल करा है फिर यहाँ पे, सर, वो तो ये तो देखो फ्लैग है, वो लगा रखा है तूने, वो तो फ्लैग लगा रखा है, वो तो रिटर्न ले रहा है, सिर्फ तो ये सब प्रिंटिंग के लिए, वो तो कोई जरूरी नहीं है। प्रिंटिंग के लिए ले रहा है। हाँ, इफ टेम्प इक्वल टू टू हेड है तो क्या यस करना, सर, बोलो देखो तो जो टेम्प ना का नेक्स्ट है बेटा, उसको ऐड बना देंगे। ठीक है ये आ गया, तो इसको मैं बंद भी कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि टैब इस पे चल रहा है ना वो। हाँ बताओ, इफ बेटा बाकी बच्चे समझ रहे हैं क्या कर रहे हैं हम, बेटा ये देखो यहां से शुरू करा हमने, और ये कह रहा है कि देखो अब हमने डिलीट करना है, मान लो 4 या 5 या 6 है, मतलब जो एलिमेंट हम डिलीट करना चाह रहे हैं ना, वो फर्स्ट में भी हो सकता है, मिडिल में भी हो सकता है कोई एलिमेंट, और लास्ट का भी हो सकता है, तो हमें हर केस लेके चलने पड़ेंगे। ये कह रहा है कि अभी तो हम ट्रावर्स शुरू कर दिया फर्स्ट नोड से, ये देखो हेड की वैल्यू को टेम्प में डाल दिया, और हेड को और टेम्प नॉट इक्वल टू नल है तो ये लूप चलानी है, ठीक है। इफ बोले टेम्प डाटा इक्वल टू डाटा है, सपोज करो अब ये कह रहा है कि अगर ये आपकी कंडीशन ट्रू है तो ये चेक करो, अब डाटा तो मिल गया, अब ये चेक करो कि वो कहाँ पे है, डाटा तो मिल गया,
अब ये यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। बोलता कि अगर पहली कंडीशन कि अगर टेम्प इक्वल टू हेड है, इट मीन टेम्प इक्वल टू हेड, डाटा मिल चुका है, डाटा मिल चुका है मुझे, ये देखो टेम्प डॉट डाटा इक्वल टू डाटा है, इट मीन डाटा मुझे मिल गया, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि अगर डाटा, सॉरी, डाटा मिल गया तो बोले इफ टेम्प इक्वल टू हेड है तो क्या करना, बोलो बेटा, बेटा सर बोलो। अब हेड के जो टेम्प का नेक्स्ट है उसको हेड बना देंगे, तो हाँ हेड टेम्प इक्वल टू टेम्प का, डॉट नेक्स्ट, हाँ क्या मिलना है, तो हेड इक्वल टू टेम्प का जो नेक्स्ट पार्ट है, टेम्प का जो नेक्स्ट पार्ट है, ये देखो टेम्प किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हेड को, मीन ये दोनों हेड और यहाँ टेम्प दोनों की चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एट को, ठीक है। ये इंडेक्स कहाँ से आ गया, लिखा हुआ, अच्छा इस साइड से आ गया, ठीक है कोई ना। टेम्प और हेड दोनों सेम एट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि अगर यस टेम्प और हेड इक्वल हो गए तो टेम्प के नेक्स्ट पार्ट को, टेम्प का नेक्स्ट पार्ट क्या है, बी, इसकी वैल्यू को हेड में डाल दो, यही हेड, होगा, तो हेड यस सर, हेड इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। तो हेड हो गया, ठीक है। और साथ में क्या करना, साथ में क्या करना, साथ में भी तो करना कुछ और क्या करना, साथ में इस वैल्यू को नल नहीं करना, इस वैल्यू को नल भी तो इसको प्रीवियस करना, को करेंगे ना, तो नेक्स्ट को हम ना करेंगे। इसके प्रीवियस को ना, यस सर, तो किसका प्रीवियस है, ये हेड का, ये है, हेड का ही यस प्रीवियस सर, बनाना हेड, ये, यस सर, यस सर, यस सर, बिल्कुल। हाँ हेड का प्रीवियस बनाइए ये। तो मुझे क्या हो गया, हेड डॉट पी आर ई प्रीवियस को क्या कर दिया मैंने, नल, ठीक अब है। अब आगे, सर या तो मिड, अब फर्स्ट होगा या तो मिडल होगा या लास्ट होगा, हाँ तो बस अब ये चेक कर एक लेंगे कि नेक्स्ट और प्रीवियस क्या क्या है। मिनट, एक मिनट, तूने क्या करा पहले ये बता दो, ठीक है। तूने पहले करा था, देखो ये है ना, डिलीट, डिलीट इंडेक्स है, नहीं ये वाला डिलीट डाटा, डाटा टेम्प इक्वल टू हेड कर दिया, टेम्प भाई जब इफ ये है तो अपने हेड को ये कर दिया, फिर इफ टेम्प, इफ के अंदर ही चल रहे ना, इफ के अंदर चल रहे हैं ना और चीजें भी। सर, ये सारे बाकी सर, ये सर, ये सेपरेट है ना, इफ सारे नेस्टेड नहीं है। हाँ ठीक है, आगे दूसरा अब केस, एक कंडीशन तो होगी सर, दूसरी में ये चेक कर लो कि अब जो अगर हम सपोज लास्ट पे आते हैं, हाँ तो हम भी चेक कर लेंगे कि जो नेक्स्ट है वो नल होगा या नहीं होगा। कैसे, इफ, टेम्प डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल या इक्वल इक्वल नल, कुछ भी कर लो हाँ, इफ टेम्प डॉट, ओ सर, सॉरी, ये ऊपर आएगा, इफ में आएगा। इस पे कहाँ पे, यस सर, इफ में आएगा। यहीं पे ना, यस सर, यस सर, इफ नया इफ बनेगा ना। हाँ इफ, हाँ नहीं सर, ये ब्रैकेट अच्छा ब्रैकेट नहीं आएगा यहाँ पे, करली ब्रेसेस, ये यहाँ इफ, इफ आएगा। यस ओ सॉरी, सर, इफ, हाँ टेम्प डॉट नेक्स्ट अब नॉट इक्वल नल। टेम्प डॉट नेक्स्ट नेक्स्ट नॉट इक्वल नल, नॉट इक्वल टू, नल नॉट इक्वल टू नल, हाँ सर लास्ट में आ गए हम। जब तक नॉट इक्वल टू नल नहीं हो जाता, ठीक है। यस हाँ अब सर, इस, तो तो हमें अब इफ टेम्प नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, ये कैसे, हाँ सपोज कर लो हमें 10 करना है डिलीट, तो तो टेन मुझे का जो देखो, नेक्स्ट है, इफ पहले आ गए हम, टेम्प नॉट इक्वल टू नल है, ठीक है। इफ टेम्प डाटा इज इक्वल टू डाटा है, टेम्प डाटा इज इक्वल टू डाटा है, तो मुझे ये चीज करनी है, अगर वो पहले पे सर, मिल जाता है, यस अगर सर, वो पहले पे मिल जाता है तो खत्म हो गया, अगर नहीं यस मिलता सर, है, देखो अगर, देखो फर्स्ट टाइम चल रहा है ना भी ये टेम्प, तो मैंने इसे बोला कि अगर इस फर्स्ट नोड है ये, मैंने टेम्प का डाटा उठाया, डाटा को कंपेयर करा, इक्वल टू डाटा, इसने बोला हाँ डाटा है, तो मैंने ये काम कर लिया, खत्म हो गया एक चीज, ठीक है, ये चीज यहाँ खत्म हो गई, यहाँ पे एक मिनट रुक जा, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरे पास ये भाई लूप में, भाई लूप में ये अगर डाटा फर्स्ट टाइम में डाटा चल रहा, अगर नहीं मिला ये, अगर ये चीज नहीं हुई,
टेम्प डाटा इक्वल टू नहीं है, देखो ना, अगर ये चीज नहीं है तो मुझे दूसरी कंडीशन पे जाना है, अगर ये चीज बेटा वैलिड नहीं है, ये चीज देखो ना फर्स्ट टाइम पे, जब अगर ये फर्स्ट है और ये ट्रू है फर्स्ट टाइम जब आया, देखो ना ये देखो ध्यान से देखना, टेम्प नॉट इक्वल टू नल है और टेम्प डाटा को फिर जैसे टेम्प मेरे पास आया, ये आई वैल्यू ये, ठीक है, यहां से मैंने आते ही डाटा कंपेयर करा, मुझे डाटा इक्वल मिल गया, ठीक है। अब मैंने नीचे आया तो मैंने ये चेक करा कि डाटा और, क्योंकि अभी तो ये डाटा और टेम्प तो ठीक ही थे, ये दोनों इक्वल ही हैं, ठीक है, ये वाले इफ डाटा फर्स्ट टाइम जब चला तो हेड को मैंने मूव कर लिया, बोले अगर ये डाटा इक्वल नहीं होगा तो हमें क्या करना है, मूव करनी है भाई, लू मूव करनी है, ये नहीं करना है, बताओ। तूने क्या करा, ये देखो कोड चला था वैसे, यस सर, इफ हेड इक्वल टू टेम्प है, टेम्प देखो तूने ये शुरू करा, टेम्प डाटा इक्वल टू वैल्यू फ्लैग इक्वल टू वन इफ हेड इक्वल टू टेम्प है, ठीक है, मिल गया डाटा, फ्लैग वन कर लिया, इफ हेड इक्वल टू टेम्प है तो आपने हेड की नेक्स्ट की टेम्प की नेक्स्ट वैल्यू को हेड कर दिया, ठीक है। बोले इफ टेम्प नेक्स्ट नॉट, फिर इफ टेम्प ऑफ नेक्स्ट डाटा इक्वल, इफ टेम्प नेक्स्ट इक्वल टू नल है तो क्या करा तूने, ये चीज करी है, If temp next, अभी temp की वैल्यू कितनी है, temp की वैल्यू तो आपकी, अच्छा ये अगला वैल्यू है temp next, बेटा सर ये पता क्या, ये जो हमने किया temp dot next ये होगा लास्ट सेकंड को पॉइंट करेगा, नहीं नहीं बेटा एक मिनट रुकिएगा, आज हम गलती पता कहाँ कर गए, साथ साथ में पॉइंट नहीं करते रहे ना, गलती ये हो गई हमारी बेटा, इस चीज को ना, हेलो सारे बेटा, इस चीज को दोबारा करेंगे, मैं कल दोबारा कराऊंगा एक बार डिलीट वाला फंक्शन सारे, ठीक है, आज थोड़ा मिस मैच हो गया है, हाउस कॉल हो गया, ठीक है, मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही है ये करा के, ठीक है। आप ऐसा करो सुनो, आज सिर्फ क्या करो, ये जो इंसर्ट वाले करे थे ना हमने, जो इंसर्ट वाले करे थे, इंसर्ट फ्रंट, इंसर्ट मिडल और इंसर्ट लास्ट, ठीक है, ये तीन चीजें करके बस डिलीट वाला बीच में करियो, सिर्फ ये तीन चीजें इसकी प्रैक्टिस कर लो आज, ठीक है, समझ गए, ये डिलीट वाला कल मैं एक बार दोबारा कराऊंगा अपने ठीक से, ठीक है, अपने कोड पे, क्योंकि इसने भेजा हुआ था तो इसने अपने तरीके से करा हुआ है, ठीक है, तो मिसमैच हो रही है चीज, ठीक है, जिस तरह से मैं करवाना चाह रहा हूँ हो नहीं रही है, वह कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं आज के लिए, ये डिलीट वाले मत करिए, सिर्फ आप लोग इंसर्ट स्टार्ट, इंसर्ट ये जो मिडल वाला है और इंसर्ट लास्ट वाला है, ये तीन वाले कोड अच्छे से कर लो, बाकी ये डिलीट वाला मैं एक बार कल करवाता हूँ अपने आप दोबारा से, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, कल करवाऊं तो, नो सर, ठीक है, ये कल करवाता हूँ, क्योंकि और वो साथ में हम ना वो करके करेंगे यहाँ, जैसे हम पहले करते हैं ना कि डाटा कैसे मूव कर रहा है, तो वो वैसे कर लेंगे, व्हाइट बोर्ड के ना सर समझने का मजा नहीं आता, मैं वो यार ये चीजें अब आगे देखो, इतना बड़ा कोड है, देखना अब इतना बड़ा कोड है, ठीक है, अब इतना बड़ा कोड, अब मैं ऑनलाइन और वो भी ऐसे मूव कर करके कैसे समझाऊं, है ना, तो इसीलिए मैं सिंगल सिंगल फंक्शन करवाता था, आज सारा मिक्स हो गया फिर पूरे का पूरा इकट्ठा ना, तो फिर क्या हो जाता है, फिर लिंक टूट जाता है यार कि कैसे वर्क कर रही होगी थी, ठीक है, तो ये डिलीट वाला जैसे मैंने कल इंसर्ट वाला करवाया था ना, बस इंसर्ट मिडल वाला भी आज करा है ना, इंसर्ट मिडल वाला करा है ना, यहाँ पे ये तो इंसर्ट एंड हो गया, ये इंसर्ट हो गया, ये मिडल वाला हो गया शायद, है ना, और ये इंसर्ट स्टार्ट, बस ये तीन फंक्शन कर लो बेटा आज के लिए, सर मैं ना वो ट्राई करता हूँ टेल बनाने की, अब तो हमें फिर इतना वो इतना करना नहीं पड़ेगा जितना हमें कोई नेक्स्ट करना पड़ता है, पेपर में कई बार टेल टूल देनी ना होती, फिर तुम कैसे कर लोगे उसको, मान लो टेल, अब मान लो तुम नीचे से तो टेल एड्रेस पास कर रहा है, अब पेपर में टेल एड्रेस पास नहीं करा होगा, तो इसलिए मैं पहले टेल ही करवाता था बच्चों को, तो फिर उसको दिक्कत क्या थी, पेपर में बच्चों को टेल मिलती नहीं थी, तो बच्चों को ट्रावर्स करना फिर भूल जाते थे कि भाई सर ने तो हमें टेल बना के करवाया हुआ है, ये दिक्कत आती थी, अदरवाइज टेल से तो बहुत आसान हो जाता है, यस सर, समझ रहे हो, टेल से इसलिए आसान हो जाएगा ना कि आपको लास्ट नोड ट्रावर्स
है, अब उस तक आप ऑलरेडी पहुंचे होते हो, तो ट्रैवर्सिंग का काम तो आधा आपका खत्म हो गया जाता है ना, तो इसलिए ट्रैवर्सिंग से ट्राई कर लेंगे, एक दो कोड करेंगे जिसमें हम लास्ट नोड भी बना, लास्ट नोड के लिए रखेंगे कुछ, बट अभी के लिए जैसे चल रहे ना इसे चलने दो। ऐसे कोड बना के मेरे को सेंड कर देना, बल्कि क्लास में भी हम ट्रैवर्स करके ही करेंगे अभी, ठीक है। अच्छा सुनो, अभी तो मैं क्या करूंगा, इसकी रिकॉर्डिंग तो डालूंगा, शाम को मैं ना 6:02 को 5 मिनट लीट नोट वाला करवाऊँ खुद, तो आप उसकी रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है, समझ रहे हो। हेलो, ओके अभी मैंने 6:02 का लेक्चर भी लेना ना 2:30 बजे, सर, तो मैं तब तक ये डिलीट वाला फंक्शन सिंगल सिंगल करके कर लेता हूँ, ठीक है, समझाने के जिस तरह से समझाया जाता है। तो आपको, आप शाम को उसकी रिकॉर्डिंग देखना, मैं ग्रुप में डाल दूंगा कि मैं 6:02 को डिलीट वाला फंक्शन करवाया, आप वो वाली रिकॉर्डिंग एक बार चेक कर लेना, ठीक है, तो इजी हो जाएगा। बाकी कल करवाऊंगा मैं तुम लोगों को ये, ठीक है, कल अपने आप भी करवाऊंगा ये। आप अभी ये चीज कर लो, अभी जब प्रैक्टिस करोगे ना, तो इंसर्ट एंड, इंसर्ट मिडल और इंसर्ट स्टार्ट, ये तीन चीजें कर लो अच्छे से, ठीक है, और इसको फिर मैं इकट्ठे से करवाता हूँ एंड में, ठीक है, कल।